गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, मैं जैसे ही पढ़ते हटा के सुबह सुबह बाहर मैंने देखा तो इतनी धूप, मतलब 6 बजे भी 12 बज गया जैसा लग रहा था। और रात को इतनी गर्मी होती है कि सोया ही नहीं जाता, और सुबह इतनी जल्दी धूप निकलती है कि मतलब सुबह भी सोया नहीं जाता। तो कितनी धूप दे रही है यहाँ पर। तो आज आप सबको मैं पपीता का अचार बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो आज आप सब मेरे साथ अचार बनाने का रेसिपी देखिए। सो मेरे पास था ये 2 पपीता। अभी मैं ये 2 पपीता को अच्छे से धोकर, देखिए मैं बाहर का छिलका निकाल रही हूँ, तो मैं पानी में ही रख कर इसका छिलका निकाल रही हूँ क्योंकि आसानी हो जाती है। तो जो अंदर का बीज होता है वो भी मैं निकाल दूँगी। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने ऐसे फैला दिया है। उसके बाद हम धूप लगाएंगे इसको। ज़्यादा नहीं लगाना, अगर ज़्यादा धूप में रखोगे तो अच्छा नहीं होगा। बस मैंने 20 मिनट के लिए इसको धूप में रख दिया था और अच्छे से सूख गया था, जिसका बाहर का पानी होता है ना वो सूख जाएगा। तो फिर हमने अचार के लिए मसाला तैयार किया। मसाले में था मेथी, जीरा, सौंफ, उसको हमने अच्छे से भून दिया था, जैसे 5-10 मिनट आपको भूनना है। उसके बाद फिर हमने उसी कढ़ाई में मिर्ची भून ली थी। उसके बाद हमने एक जार में उसको मेथी